नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉट स्टॉक्स पेट्री कॉलर शो। मैं हूं पल्लवी। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन उतार चढ़ाव के बीच निफ्टी 8,800 के ऊपर बंद होने में कामयाब रहा। बाजार की शुरुआत मजबूत हुई। 8,900 के करीब खुलने के बावजूद ऊपरी स्तर पर बाजार में मुनाफा वसूली ही देखने को मिली। निजी बैंकों और फार्मा स्टॉक्स में बढ़त के चलते सेंसेक्स 168 अंक और निफ्टी 44 अंक की बढ़त के साथ क्लोज हुए। FII निवेश सीमा हटने की खबर के बाद HDFC बैंक में इंट्राडे में 10% तक की तेजी दिखी, लेकिन कारोबार के दौरान लिमिट पूरी होने से शेयर ऊपरी स्तरों से फिसल गया। HDFC बैंक में तेजी के चलते इंट्राडे में बैंक निफ्टी ने भी उच्चतम स्तर को छुआ। बैंक के साथ साथ फार्मा स्टॉक्स में भी अच्छी तेजी दिखी। सन फार्मा, वॉकहार्ट, कैडिला में आज अच्छी बढ़त रही। वहीं तेल, गैस और एनर्जी शेयरों में भी आज अच्छा खरीदारी का रुझान रहा। अगर IT, मेटल और टेलीकॉम शेयरों की बात करें तो यहां पर लूजिंग साइड देखने को मिली। यहां इन सेक्टर्स के स्टॉक्स में दबाव देखने को मिला। 31 मार्च से निफ्टी में शामिल होने के चलते इंडिया बुल्स हाउसिंग और IOC के शेयर में 2% तक की तेजी रही। वहीं निफ्टी से निकाले जाने से BHU और आइडिया सेलो के शेयर में आज थोड़ा प्रेशर देखने को मिला। FIs और DIs की बात करें तो आज कैश में FIs की तरफ से लगभग 8,043 करोड़ की खरीदारी रही। वहीं DIs की तरफ से बिकवाली का रुख था। लगभग 5,631 करोड़ की बिकवाली DIs की तरफ से रही है। लेकिन मौजूदा बाजार में कहां पर आपको बेट करना चाहिए, कौन से सेक्टर्स अट्रैक्टिव लग रहे हैं, आइए सुन लेते हैं एक्सपर्ट्स की राय। तो सरकार ने कहा है कि अगले 2-3 साल में सारे प्रॉफिटेबल PSUs हम लिस्ट कर देंगे। तो आप ये देखिए कि अगर कुछ अनलिस्टेड स्पेस में है बट उसका एक लिस्टेड भाई बहन भी है, वो खरीद के रखिए। दूसरा विलय रहेगा ये, जैसे ऑलरेडी ऑयल मेजर्स का मिश्रण करके एक बड़ी कंपनी बनाने की बात चल रही है या दो कंपनियां, तो पहले जो स्मॉल कैप मिड कैप ऑयल कंपनियां हैं PSU क्षेत्र में वो मर्ज होंगी और फिर बड़ी कंपनियां होंगी, तो वो खरीद के रखिए। हमारे निवेशकों को सबसे पहले बैंक देखिए, फिर सीमेंट देखिए, आप ऑटो देखिए, टू व्हीलर्स और कार की कंपनियां। ऑटो जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड एंसिलरी हैं वो अच्छा कर रहे हैं, तो जो जहां तेजी है वहां रहिए। फार्मा में आपको बाय एंड होल्ड नहीं करना है। तो आपने सुना अजय बग्गा को और ट्रेंड इज फ्रेंड, यही इस रणनीति उन्होंने अपनाने को कहा है। आज के एक्सपर्ट लोकेश उपल भी हमारे साथ मौजूद हैं। लोकेश, वेरी गुड इवनिंग। मार्केट्स की अगर बात करें, अब नेक्स्ट वीक एक तो ट्रंकेटेड वीक है, 2 दिन छुट्टी रहेगी बाजार में और डेरिवेटिव एक्सपायरी भी है, कैसे देख रहे हैं अगले हफ्ते मोमेंटम कैसा रह सकता है मार्केट का? वेरी गुड इवनिंग पल्लवी जी। जैसे हम देखा कि मार्केट में एक अच्छा बुल रन देखा गया, आज एक गैप अप ओपनिंग हुई थी, वेंट अप टू द लेवल्स ऑफ 8896, बट समहाउ बाय द सेकंड हाफ यहाँ पे एक थोड़ा सा सेल ऑफ देखा गया है। इफ आई लुक एट द लॉन्ग टर्म द वीकली चार्ट्स ऑफ निफ्टी, तो यहाँ पे एक साइडवेज मूवमेंट है, लेकिन अभी भी जो ट्रेंड है वो हमेशा बुलिश बना हुआ है। यहाँ पे हो सकता है कि निफ्टी मंडे को एक बार गैप फिल करने की कोशिश करे, विच इज क्लोज टू लेवल्स ऑफ 8780, और वहाँ से फिर एक अच्छा बाउंस बैक देखा जाए, क्योंकि डेली चार्ट्स पे जो दिख रहा है एक रिवर्सल दिख सकता है। निफ्टी कैन रीटेस्ट द लेवल्स क्लोज टू 8910, तो यहाँ पे बाय ऑन डिप्स की रणनीति को अपनाना पड़ेगा एंड वन कैन कीप अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस क्लोज टू लेवल्स ऑफ 8750 8760 फॉर द इमीडिएट टारगेट क्लोज टू 8910 एंड 20 ऑन द अपसाइड। ऑलराइट, चलिए अब दर्शकों के सवाल भी शामिल करते हैं। एक बार तरीका बता दें किस तरह से अपने सवाल हमारे दर्शक भेज सकते हैं एक्सपर्ट से पूछने के लिए। आप टोल फ्री लाइंस पर कॉल करें या फिर सोशल मीडिया के जरिए भी जुड़ सकते हैं हमसे। आप फेसबुक पर जी बिजनेस के पेज पर जाएं, वहां पर अपनी क्वेरी पोस्ट कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप नंबर पर भी अपनी क्वेरी पोस्ट कर सकते हैं। टोल फ्री लाइंस खुली रहेंगी। पहला सवाल शामिल कर रहे हैं कपिल का, कानपुर से। JK टायर को लेकर उनका क्वेश्चन है। ऑलमोस्ट 1000 शेयर्स हैं इनके पास जो कि 118 के लेवल्स पे लिए हुए हैं। JK टायर अभी इन लेवल्स पर क्या करना चाहिए, इनकी खरीद के आसपास ही है, अभी स्ट्रैटेजी क्या रखे लोकेश? देखिए पहले जी, अगर हम JK टायर्स के चार्ट को स्टडी करते हैं, यहाँ पे एक साइडवेज कंसोलिडेशन बनी हुई है जो साफ साफ इंडिकेट करती है स्टॉक हैज अ पोटेंशियल टू गो ऑन अपसाइड, और कहीं ना कहीं इसने एक बॉटम फॉर्मेशन दी है फ्रॉम द लेवल्स क्लोज टू 110 एंड 111, 111 के आसपास इसने एक बॉटम फॉर्मेशन दी है, वहाँ से एक पुल बैक देखा गया। अगर इसमें एक अच्छा पुल बैक बनेगा तो स्टॉक हैज अ कैपेसिटी टू रीटेस्ट द लेवल्स क्लोज टू 123 एंड 130, यानी कि 123 से लेके 130 का दायरा ऊपर की तरफ खुल जाएगा। पहली हर्डल आएगी 123 की, 123 इसकी रेजिस्टेंस है। जैसे ही स्टॉक 123 को क्रॉस करेगा 130 के लेवल्स ऊपर की तरफ मिल सकते हैं, ये वहां पे चाहे तो अपने प्रॉफिट्स को टेक होम करें। तो मेरी एडवाइस ये रहेगी कि अपने पोजीशन को होल्ड कर लीजिए। तो फिलहाल होल्ड करने की सलाह है आपको। JK टायर आज के सेशन में 118.85 रुपए पर क्लोजिंग है, ऑलमोस्ट आधा परसेंट की कमजोरी के साथ। फोन लाइन पर रोहित हैं चंडीगढ़ से सवाल पूछने के लिए। रोहित गुड इवनिंग, पूछिए क्या सवाल है आपका। हां जी गुड इवनिंग मैम, मेरे पास इंडिया बुल्स वेंचर्स की शेयर है, 2000 शेयर्स हैं, अराउंड 2.5 इयर्स हो गए हैं, तो अभी मेरी प्राइस से ऊपर निकला है थोड़ा रीट करके।
अच्छा प्रॉफिट मुझे यही पूछना था कि अब मैं यहाँ पे प्रॉफिट बुक करूँ या फिर आगे अभी और रख सकता हूँ, क्योंकि काफी टाइम के बाद ही मेरे प्राइस से ऊपर आया। राइट, लोकेश इनकी खरीद काफी पुरानी है, ऑलमोस्ट 2.5 साल से इसको होल्ड कर रहे हैं, इसका इनका फायदा भी हुआ है। अब 35 रुपए पर स्टॉक ने आज क्लोजिंग दिया, अभी प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए क्या? देखिए, पहले तो मैं आपको यहाँ पे एक एडवाइस देना चाहूँगा, यू बीन अ वेरी पेशेंट इन्वेस्टर, आपने 2.5 साल तक अपनी पोजीशन को होल्ड किया टू रिप द रिजल्ट्स फ्रॉम द मार्केट, वेरी गुड फॉर दैट। और आपको अपनी पोजीशन को भी होल्ड करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस डालना पड़ेगा आपको, वो है 29 रुपीज़ का। 29 रुपीज़ की हर्डल के बाद इसमें शोल्डर फॉर्मेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुई है, और इसमें जो मंथली चार्ट हैं वो साफ साफ इंडिकेट कर रहे हैं कि इसमें प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट देखा गया है। तो आप पहले 29 रुपये का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस डाल लीजिए, सो दैट यू अगेन डोंट गेट ट्रैप्ड इन द स्टॉक, और आप 40 रुपये से 42 रुपये की रेंज के लिए भी वेट कीजिए। दिस स्टॉक कैन गिव यू द रेट्स क्लोज टू 42 to 45 ऑन द अपसाइड। ऑलराइट, यानी आपने अच्छा मुनाफा कमाया है, लेकिन और इसमें अपट्रेंड दिख सकता है, लेकिन स्टॉप लॉस जरूर आप मेंटेन करें। अगला सवाल शामिल करते हैं, इस वक्त संगीता ने सवाल भेजा है भुवनेश्वर से, IDBI बैंक को लेकर इनका क्वेश्चन है, 500 शेयर्स हैं जो कि 81 के आसपास खरीदे हुए हैं, क्या करना चाहिए अभी IDBI बैंक के अंदर? देखिए पल्लवी जी, अगर IDBI बैंक को स्टडी करते हैं, द स्टॉक इज बिन कंसोलिडेटेड इन अ वेरी क्लोज रेंज क्लोज टू 86 and 74, 10 रुपए के दायरे के अंदर ये स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है। अब कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म चार्ट में नजर आ रहा है कि इसने जो बेस फॉर्मेशन है उसको 76 के आसपास फॉर्म किया है, और इसकी जो इमीडिएट हासिल आती है वो 86 के आसपास आती है। तो पहला टारगेट जो बनता है स्टॉक का वो 86 रुपीज़ का है। फिलहाल अपनी पोजीशन को होल्ड कीजिए एंड कीप अ ट्रेलिंग, कीप अ स्टॉप लॉस क्लोज टू लेवल्स ऑफ 77 रुपीज़, क्योंकि 77-76 इसका बेस फॉर्मेशन है, और स्टॉक जैसे ही 86 के ऊपर ट्रेड करेगा आपको 90 रुपए के टारगेट्स ऊपर की तरफ मिल जाएंगे, आप वहां पे अपने प्रॉफिट्स को टेक होम कर लीजिएगा। तो थोड़ा सा होल्ड ऑन अभी और करें, 90 तक के टारगेट्स अचीव हो सकते हैं, लोकेश की राय फिलहाल इसमें बने रहें। अगला सवाल है प्रभात का गुवाहाटी से, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ को लेकर इनका क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट 150 शेयर्स हैं जो कि 325 के स्तर पर लिए हुए हैं, हालांकि ये मेंशन नहीं है कि IPO के समय की खरीदा या लिस्ट होने के बाद इन्होंने खरीदा, लेकिन एक अच्छा मुनाफा इन्होंने कमाया ICICI प्रू लाइफ में, क्या करना चाहिए अभी लोकेश? देखिए पल्लू जी, अगर इनका छोटे टाइम का नजरिया है, इफ़ इज इन्वेस्टेड इन द स्टॉक फॉर अ ट्रेडिंग पर्पसेस, तो मैं आप इनको एडवाइस दूंगा कि अपने प्रॉफिट्स को टेक होम कर लीजिए। यही अगर इनका नजरिया 1 साल से ऊपर का है तो फिलहाल अपनी पोजीशन को होल्ड कर लीजिए, बिकॉज दिस इज द ओनली स्टॉक विच इज ट्रेडिंग इन द मार्केट विद लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस, इसके पेयर्स अभी है नहीं, एंड द पेयर्स जो है वो भी काफ़ी अट्रैक्टिव प्राइसेस पे आएंगे, एंड दिस क्वाइट अ पॉसिबिलिटी कि स्टॉक जो है 410 से 420 का दायरा ऊपर की तरफ दिखा सकता है। तो आपको दोनों ही एडवाइस दी चुकी है, जहाँ पे आप शॉर्ट टर्म में इमीडिएट प्रॉफिट ले सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए 410-420 के लिए होल्ड कर सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म में 410 से 420 का स्तर भी ICICI प्रूडेंशियल लाइफ में दिख सकता है। फिलहाल इकलौता इंश्योरेंस प्लेयर है जो लिस्टेड है, लेकिन जल्दी सरकारी इंश्योरेंस कंपनियां भी लिस्ट होने वाली हैं। अगला सवाल शामिल करते हैं मानस का, वेस्ट बंगाल से इन्होंने सवाल भेजा है, PNB को लेकर जानना चाह रहे हैं, 200 शेयर्स है 152 के स्तर पर खरीदे हुए हैं, इनकी खरीद से तो नीचे आ गया, हालांकि आज ओवरऑल प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में काफी एक्शन था, लेकिन PSU बैंक्स में उस तरह का रुझान नहीं दिखा, अभी क्या करें, PNB में लॉस हो रहा है इनको? देखिए पहले जो पंजाब नेशनल बैंक के चार्ट को स्टडी करते हैं, 155 के आसपास में एक हैवी रेजिस्टेंस आई है, वहाँ से सेल ऑफ देखा गया, एंड द स्टॉक इज ट्रेडिंग क्लोज टू लेवल्स ऑफ 140। अब कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि एक साइडवेज कंसोलिडेशन हो चुकी है चार्ट में फॉर ऑलमोस्ट अ वीक, और यहाँ पे अगर एक पुल बैक देखा जाएगा तो 152 से 153 के लेवल्स ऊपर की तरफ आ सकते हैं। फिलहाल अपनी पोजीशन को होल्ड कर लीजिए टिल द टाइम ऑफ एक्सपायरी। ऑलराइट, तो अभी पोजीशंस को होल्ड करें, एक्सपायरी अगले हफ्ते, तो नजर बना के चलें। वो लाइन पर संदीप है पुणे से अपना सवाल पूछने के लिए, संदीप गुड इवनिंग, पूछिए क्या सवाल है आपका? मैडम, मैंने रिपोर्ट लिया है, एट प्राइस ऑफ 41.41। कौन सा स्टॉक बताया आपने? हिंद मोटर्स, ठीक है, 11 रुपए 45 पैसे के आसपास की खरीदे, कब खरीदा था आपने, कितने समय से होल्ड कर रहे हैं? परसों खरीदा था। ठीक है, तो क्या शॉर्ट टर्म के लिए लिया है क्या? हाँ, शॉर्ट टर्म। ठीक है, ऑलराइट। लोकेश, इनकी खरीद के लिहाज से क्या स्टॉप लॉस, क्या टारगेट्स आप इन्हें सजेस्ट करेंगे? दिस इज फॉर अ शॉर्ट टर्म। देखिए पल्लू जी, अगर हिंदुस्तान मोटर्स के चार्ट को स्टडी करते हैं, स्टॉक ने एक अच्छा बुल रन दिया फ्रॉम द लेवल्स ऑफ 6 रुपीज, एंड इट वेंट अप क्लोज टू लेवल्स ऑफ 290। देयर वाज सम न्यूज़ रिगार्डिंग द स्टॉक इन द मार्केट, तो उसमें एक अच्छा बुल रन देखा गया। अब इसके जो लॉन्ग टर्म चार्ट्स हैं वहाँ पे देख के लगता है कि थोड़ा थोड़ा इसमें कॉन्फिडेंस बना हुआ है, बट देयर इज अ स्लाइट डेलिब्रेशन। डेलिब्रेशन एक ऐसा पैटर्न होता है जहाँ पे ऊपर से जाकर थोड़ी मुनाफा वसूली स्टार्ट हो जाती है। तो मेरी एडवाइस ये रहेगी कि अगर आप अपना इसको 11 रुपए 80 पैसे 90 पैसे के आसपास ये स्टॉक आए, वहाँ से इसको ऑफलोड कर लीजिए, क्योंकि डेलिब्रेशन के बाद इसमें एक हैवी सेल ऑफ देखा जा सकता है, एंड द स्टॉक कैन मूव बैक टू द लेवल्स ऑफ 9 रुपीज 50 पैसा 80 पैसा, जहां पे इसने अच्छा बुल रन शुरू किया था।
इनफैक्ट हिंदुस्तान मोटर्स ने 52 वीक हाई भी टच किया। खबर ये थी कि जो एक नामी ब्रांड एम्बेसडर हिंदुस्तान मोटर्स का, उसे कंपनी ने करार किया है पियोजियाट के साथ उसे बेचने के लिए, और लगभग 80 करोड़ में सौदा हुआ है। और इस खबर के बाद इंटरडे में 16% तक का भी इजाफा इसमें देखने को मिला था। चलिए अगले दर्शक से बात करते हैं। फोनलाइन पर संजय है राजकोट से। गुड इवनिंग संजय, पूछिए क्या सवाल है आपका। संजय जी नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। शायद लाइन क्लियर नहीं है, लेकिन सवाल इनका व्हाट्सएप के जरिए भी आया है। ऑलमोस्ट 2000 शेयर्स हैं अक्ष ऑप्टी फाइबर के, जो कि 28 रुपए पर खरीदे हुए हैं। हर स्टॉक पे 6 रुपए का नुकसान हो रहा है अभी। टेलीकॉम और टेलीकॉम से जुड़ी कंपनियां, फिलहाल आपका आउटलुक क्या है लोकेश, करें तो क्या करें इस तरह की कंपनियों में? देखिए पल्लवी जी, अक्ष ऑप्टी फाइबर की बात करते हैं, दिस स्टॉक हैज गिवन अ वेरी गुड रन फ्रॉम द लेवल्स ऑफ 21 रुपीज एंड वेंट अप टू द लेवल्स ऑफ 30 रुपीज। अब इसके तो लॉन्ग टर्म चार्ट से वहाँ पे साफ सा नजर आ रहा है कि थोड़ी हैम्परिंग देखी गई है फ्रॉम द लेवल्स ऑफ 27, और वहाँ से थोड़ा सा सेल ऑफ आ रहा है स्टॉक के ऊपर, दैट इज वाई वी आर ट्रेडिंग क्लोज टू लेवल्स ऑफ 22। आपको अपने इन्वेस्टमेंट में थोड़ी सी पेशेंस रखनी पड़ेगी। अगर आपका नजरिया 6 महीने का है तभी इस स्टॉक में बने रहिएगा, अदरवाइज जैसे ही आपको कोई उछाल मिले तो अपनी पोजिशन को एग्जिट कर लीजिएगा। ऑलराइट, तो किसी भी रैली में एग्जिट कर सकते हैं, अदरवाइज अगर थोड़ा समय देना चाह रहे हैं तो होल्ड ऑन करें। अगला सवाल है अर्चना का दिल्ली से। कैनरा बैंक को लेकर इनका क्वेश्चन है, 300 शेयर्स हैं जो कि 312 के स्तर पर खरीदे हुए हैं। कैनरा बैंक एक और पीएसयू बैंक की यहाँ पर बात कर रहे हैं हम, आपका आउटलुक क्या है अभी, चार्ट्स कैसे लगते हैं आपको कैनरा बैंक के? देखिए पल्लव जी, अगर मैं कैनरा बैंक के चार्ट्स को स्टडी करता हूँ, वी सी ए बुलिश पैटर्न, लेकिन इसमें एक राइट्स इशू होने की वजह से थोड़ा सा डिस्काउंट देखा गया, दैट इज वाई द स्टॉक इज ट्रेडिंग क्लोज टू लेवल्स ऑफ 291.90। लेकिन अगर आपका नजरिया 3 महीने से 4 महीने का है तभी पोजीशन को होल्ड कीजिए, बिकॉज दिस स्टॉक हैज अ पोटेंशियल टू रीटेस्ट द लेवल्स क्लोज टू 350 to 360 ऑन द अपसाइड। ऑलराइट, होल्ड ऑन करने की सलाह है। आज के सेशन में ऑलमोस्ट 291 का स्तर कैनरा बैंक के स्टॉक में देखने को मिला था, ऑलमोस्ट 4 रुपए की मजबूती के साथ क्लोजिंग रही है। अगला सवाल है हितेन का सूरत से, और बीएमएल को लेकर इनका क्वेश्चन है, 200 शेयर्स खरीदे हुए हैं 1317 पे, अभी बीएमएल क्या करना चाहिए? हालांकि देखा जाए तो डिफेंस स्पेस में काफी कुछ एक्शन हो रहा है और डील्स भी साइन हो रही है, काफी न्यूज फ्लो है, इन पर्टिकुलर बीएमएल क्या लगता है आपको क्या करना चाहिए? देखिए पल्लवी जी, का बीएमएल की बात करें तो बीएमएल इज गोना बी अ डार्लिंग ऑफ द स्टॉक्स। इसमें देखा जाएगा कि 725 के आसपास बहुत अच्छा बेस फॉर्मेशन हुआ था, और जैसे ही स्टॉक ने 930-980 के लेवल्स को क्रॉस किया, इसमें एक अच्छा बुल रन स्टार्ट हुआ है। इसके लॉन्ग टर्म चार्ट देख के लगता है कि बुलिश कंटिन्यूशन पैटर्न इंटैक्ट है, एंड दिस क्वाइट अ पॉसिबिलिटी कि ये स्टॉक 340 से लेकर 350 के लेवल्स आने वाले टाइम में दिखा सकता है। आपको एडवाइस ये दी जाती है कि सर अपनी पोजीशन को होल्ड कर लीजिए, इट्स अ गुड स्टॉक, इट कैन रिवॉर्ड यू इन द नियर फ्यूचर। ऑलराइट, बीएमएल आज के सेशन में 1289 का लेवल यहाँ देखने को मिला, फिलहाल होल्ड ऑन करें, थोड़ा समय दें। लेकिन अब बात करते हैं उन ऐसे 20 चुनिंदा स्टॉक्स की जो हमने आपके लिए चुने हैं सोमवार के सेशन के लिए। अगला हफ्ता काफी क्रूशियल रहेगा, डेरिवेटिव एक्सपायरी भी है, तो सोमवार के दिन इंट्राडे में कहाँ पर मुनाफा बनेगा बताते हैं आपको। पहला स्टॉक है एचसीजी। फ्रैंकलिन टेम्पलटन ने कंपनी में हिस्सेदारी बढ़ाई है और हिस्सेदारी 4.57% से बढ़ाकर 6.69% की है। हालांकि आज थोड़ा दबाव इसमें दिखा, लेकिन सोमवार के सेशन के लिए बाय करें, 250 के टारगेट अचीव हो सके, 235 का स्टॉप लॉस रखें। अगला स्टॉक जो लिस्ट में है वो है वीनस रेमेडीज का। स्ट्रॉन्ग मोमेंटम वीनस रेमेडीज में आज देखने को मिला। इसमें खबर भी है कि 22 फरवरी को कंपनी की एक अहम बोर्ड बैठक है, और इस बैठक में QIP के जरिए रकम जुटाने पर फैसला हो सकता है। ऑलमोस्ट 9% के गेंस के साथ स्टॉक क्लोज हुआ, हालांकि इंट्राडे में इसमें डबल डिजिट रिटर्न देखने को मिले हैं। सोमवार को भी ये तेजी जारी रह सकती है, 110 के लक्ष्य के लिए बाय करें, 101 का स्टॉप लॉस आप बिजनेस रेमेडीज में रख सकते हैं। प्रकाश इंडस्ट्रीज अगला शेयर है। खबर है कि प्रमोटर्स ने गिरवी रखे हुए शेयर छुड़वाए हैं, मनीवाइज फाइनेंशियल से 15 लाख गिरवी शेयर कंपनी ने छुड़ाए हैं। हालांकि आज थोड़ा लाल निशान के साथ क्लोजिंग रही है, लेकिन सोमवार को 85 के टारगेट अचीव हो सकते हैं, 75 का स्टॉप लॉस आप इंट्राडे में रख सकते हैं। अगला शेयर है IFB इंडस्ट्रीज। अच्छी तेजी आज के सेशन में इसमें देखने को मिली है। हैवेल्स लॉयड इलेक्ट्रिक का कंज्यूमर ड्यूरेबल कारोबार प्रीमियम पर खरीदेगी, इस तरह की खबरें आई, और इस सौदा होने से सेक्टर की री रेटिंग हो सकती है, तो एक अहम खबर सेक्टर के संदर्भ में भी और कंपनी के संदर्भ में भी। इसलिए 11.5% के गेंस के साथ स्टॉक की क्लोजिंग रही, 680 के टारगेट्स के लिए बाय करें, 630 का स्टॉप लॉस रखें। अगला शेयर है पिटी लैमिनेशन। भारी वॉल्यूम्स के साथ शेयर में तेजी देखने को मिली है, और इनफैक्ट अपने एवरेज के मुकाबले 10 गुना ज्यादा वॉल्यूम्स आज देखने को मिले, 66 के आसपास क्लोजिंग रही। सोमवार के सेशन में 75 का लक्ष्य लेकर आप बाय करें, 65 का स्टॉप लॉस लगाएं। अगला शेयर है अदानी ट्रांसमिशन। प्रमोटर्स ने गिरवी रखे हुए शेयर छुड़ाए हैं, प्रमोटर्स ने ऑलमोस्ट 8.5 करोड़ गिरवी शेयर छुड़ाए हैं, और इसके चलते आज हरा निशान देखने को भी मिला है, 70 रुपए के टारगेट्स के लिए बाय करें,
62 का स्टॉप लॉस लगाएं। अगला शेयर है JBF इंडस्ट्रीज। तीन दिन से शेयर में लगातार खरीदारी देखने को मिल रही है और तीन दिन में शेयर ऑलमोस्ट 5.5% तक उछला है। यहाँ पर आप बाय करें 260 के लक्ष्य के लिए 245 का स्टॉप लॉस लगाएं। अगला शेयर है रामकृष्ण फोर्जिंग। प्रमोटर्स ने गिरवी शेयर रखे छुड़वाए हैं और यहाँ पर एम्बिट फिनवेस्ट से ऑलमोस्ट 100,000 गिरवी शेयर छुड़वाए हैं, तो इस खबर के चलते भी यहाँ पर बाइंग मोमेंटम बनता है। आज भी 3% की गेंस के साथ स्टॉक की क्लोजिंग रही। 425 के लक्ष्य के लिए बाय कर सकते हैं, 400 का स्टॉप लॉस रखें। अगला शेयर है TCS। सोमवार को कंपनी की बोर्ड बैठक होनी है और इस बैठक में शेयर बायबैक को लेकर एक फैसला हो सकता है। कई दिनों से इस तरह की खबरें हैं आईटी कंपनीज के संदर्भ में। TCS आप बाय कर सकते हैं, 2480 के लक्ष्य के लिए 2380 का स्टॉप लॉस आप इंट्राडे में रखें। अगली कॉल एक सेल कॉल है, भारतीय इंफ्राटेल। लगातार 2 दिनों से शेयर में बिकवाली देखने को मिल रही है। 2 दिन में शेयर ऑलमोस्ट 4.5% तक फिसला है। आज भी क्लोजिंग 3.5% नीचे रही है। बिकवाली करके चले 320 के लक्ष्य के लिए 305 का स्टॉप लॉस लगा है। लोकेश, हालांकि जो 10 कॉल्स थी इसमें काफी हद तक न्यूज फ्लो के आधार पर ये चुनाव हुआ है, लेकिन इनमें से कोई शेयर जो आपको टेक्निकली काफी साउंड लगता है? देखिए पल्लवी जी, यहाँ पे हमारी 2 पिक्स निकल गई हैं। पहली है IFB इंडस्ट्रीज। अगर मैं IFB इंडस्ट्रीज के चार्ट्स को स्टडी करता हूँ तो यहाँ पे प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट आया और इसके जो लॉन्ग टर्म चार्ट्स हैं वो भी इंडिकेट करते हैं कि इसमें जो पॉजिटिव मोमेंटम है वो बना रहेगा। तो 650 के टारगेट्स के लिए इसको बाय किया जा सकता है विद स्टॉप लॉस क्लोज टू लेवल्स ऑफ 605 रुपीज। हमारी सेकंड पिक रहेगी JBF इंडस्ट्रीज की। JBF इंडस्ट्रीज में वीकली चार्ट्स और मंथली और एक्सपायरी चार्ट्स तीनों ही काफी पॉजिटिव हैं, जो इंडिकेट कर रहे हैं कि स्टॉक हैज अ पोटेंशियल टू रिटेस्ट द लेवल्स ऑफ 260 रुपए के लिए इसको बाय किया जा सकता है विद स्टॉप लॉस क्लोज टू लेवल्स ऑफ 245 रुपीस। ऑलराइट, टेक्निकली भी आपने जाना और न्यूज फ्लो के चलते भी जिन कंपनीज का चुनाव हुआ है। अगले शेयर्स जान लेते हैं कौन से हैं। अगला शेयर है जस्ट डायल। एक्सपायरी हफ्ते में शेयर में तेजी देखने को मिल सकती है। फरवरी सीरीज के सबसे ऊपरी स्तरों पर शेयर ने क्लोजिंग दी है। यहाँ पर बाय करने के लिए लक्ष्य है 472 का। 456 के स्टॉप लॉस के लिए आप जस्ट डायल में बाय कर सकते हैं। ऑन मोबाइल ग्लोबल एक और शेयर जहां नजर रखें। 5 हफ्ते की गिरावट के बाद शेयर आज संभला है और ऑलमोस्ट 20 दिनों के एवरेज के ऊपर शेयर आज क्लोजिंग दे पाया है। ऑलमोस्ट 4% के गेंस के साथ क्लोजिंग रही। सोमवार को 87 के लक्ष्य के लिए बाय करें, 83 का स्टॉप लॉस लगाएं। अगला शेयर है इक्विटास। NBFC शेयरों में आज अच्छी खरीदारी देखने को मिली और इक्विटास के आवली और डेली चार्ट्स पर एक पुल बैक पैटर्न देखने को मिल रहा है। यहाँ पे लक्ष्य होगा 189 का, 181 का स्टॉप लॉस लगाएं। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड अगला स्टॉक है। आज आखिरी एक घंटे में वॉल्यूम के साथ इसमें खरीदारी देती हुई दिखी है। निचले स्तरों से एक स्ट्रॉन्ग पुलबैक देख सकते हैं। खरीदारी देखने को मिली, ऑलमोस्ट 3% के गेंस के साथ स्टॉक ने क्लोजिंग दी है। 158 का लक्ष्य यहां पर रखे सोमवार को, 150 का स्टॉप लॉस लगाएं। अगला शेयर है पीडीलाइट का। वीकली चार्ट्स पर सभी अहम एवरेजेस के ऊपर स्टॉक ने क्लोजिंग दी है। पिछले 8 सेशंस के औसत डिलीवरी वॉल्यूम्स ऑलमोस्ट 45% रहे हैं, तो संकेत है सोमवार को भी इसमें बाइंग मोमेंटम जारी रह सकता है। 695 के लक्ष्य के लिए बाय करें, 677 का स्टॉप लॉस लगाएं। अगला शेयर है कैस्ट्रॉल। एक्सपायरी हफ्ते में शेयर में अच्छी तेजी दिख सकती है। यहाँ पर लक्ष्य होगा 444 का और 427 का स्टॉप लॉस आप इंट्राडे के लिए रख सकते हैं। न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर अगला शेयर है। इनफैक्ट आज छोटे और मझोले आईटी शेयरों में अच्छी खरीदारी दिखी है। एक पुलबैक न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर ने दिखाया, ऑलमोस्ट 2.5% के गेंस के साथ स्टॉक क्लोज हो। 276 के लक्ष्य के लिए सोमवार को बाय करें, 263 का स्टॉप लॉस लगाएं। चेन्नई पेट्रो अंतिम चरण में आज वॉल्यूम्स के साथ इसमें खरीदारी देखने को मिली है। 402 के टारगेट्स के लिए बाय कर सकते हैं, 387 का स्टॉप लॉस आप चेन्नई पेट्रो में रख सकते हैं। स्टॉक अपने 52 हफ्तों के सबसे ऊपरी स्तर पर क्लोज हुआ है। अगला शेयर है बॉम्बे बर्मा। डेली चार्ट्स पर एक रेंज ब्रेकआउट देखने को मिला और अपने 2 हफ्ते की एवरेज वॉल्यूम से ज्यादा वॉल्यूम्स इसमें आज देखने को मिली है। 650 के लक्ष्य के लिए बाय करें, 630 का इंट्राडे के लिए आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। आखिरी शेयर होगा KPR मिल्क का। निचले स्तरों से शेयर में खरीदारी देखने को मिली है। दिन के सबसे ऊपरी स्तरों पर स्टॉक क्लोज हुआ है। 592 के लक्ष्य के लिए बाय करें और 576 का स्टॉप लॉस रखें। लोकेशन भी अगले 10 स्टॉक्स में से कोई शेयर जो आपको अच्छा लगा? जी पल्लवी, आफ्टर लुकिंग एट द चार्ट फॉर्मेशन राइट नाउ, इसमें से 3 पिक्स निकल के आई हैं। पहली है ऑन मोबाइल ग्लोबल लिमिटेड। ऑन मोबाइल ग्लोबल लिमिटेड में वीकली चार्ट्स के ऊपर एक ड्रैगन फॉर्मेशन हुआ जो इंडिकेट करता है द स्टॉक हैज अ पोटेंशियल टू रिटेस्ट लेवल्स क्लोज टू 90 रुपीज। तो 90 और 92 के टारगेट्स इसको बाय कीजिए, स्टॉप लॉस इज क्लोज टू 81 रुपीज। सेकंड पिक रहेगी चेन्नई पेट्रो की। चेन्नई पेट्रो में प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट देखा गया, राइट शोल्डर फॉर्मेशन डेली चार्ट्स पे और वीकली चार्ट इंडिकेट कर रहा है कि 402 के लेवल के लिए स्टॉक बाय किया जा सकता है विद स्टॉप लॉस to levels of 384 rupees. Third pick हमारी रहेगी Pidilite Industries. Pidilite Industries में क्योंकि एक्सपायरी का वीक है और ये डेरिवेटिव का स्टॉक है, इसमें भी एक अच्छी मूवमेंट देखी जा सकती है। द स्टॉक कैन रिटेस्ट द लेवल्स क्लोज टू 698, इनफैक्ट 700 इसमें बाय किया जा सकता है विद स्टॉप लॉस क्लोज टू लेवल्स ऑफ 675 रुपीज।
ऑलराइट, अब एक दर्शक भी है फोन लाइन पर, वेदांत जुड़े हैं कोलकाता से। वेदांत गुड इवनिंग, पूछिए क्या सवाल है जी। वेदांत कौन सा स्टॉक लिया आपने? हेलो जी वेदांत गुड इवनिंग, अपना सवाल पूछे। हाँ मेरे पास अरबिंदो फार्मा है 50 से 690 पे। 690 पे कब खरीदा है आपने? मैंने 10 दिन हो गए। ये शॉर्ट टर्म के लिए लिया है क्या? हाँ शॉर्ट टर्म के लिए। ठीक है लोकेश, ये राइट टाइम है क्या फार्मा स्टॉक्स में बाइंग का? 690 पर खरीदा हुआ है, अभी क्या करना चाहिए अरबिंदो फार्मा? देखिए पहले जी, फाइव लुक एट अरबिंदो फार्मा राइट नाउ, इसमें चार्ट्स काफ़ी वीक हैं जो इंडिकेट करता है द स्टॉक कैन स्लिप डाउन टू लेवल ऑफ 620। अब आप अगले महीने अगले हफ्ते ही एक्सपायरी है, इसमें एक टेक्निकल बाउंस आ सकता है, द स्टॉक कैन मूव अप टू द लेवल्स ऑफ 685 to 675। अगर आपको वहाँ पे थोड़ा भाव मिलता है तो पोजीशन में से निकल जाइए, क्योंकि ओवरऑल स्टॉक स्ट्रक्चर काफ़ी वीक है, स्टॉक कैन स्लिप डाउन टू लेवल्स ऑफ 620 and 24 इन शॉर्ट टू मीडियम टर्म। ऑल राइट, तो कोई भी तेजी इसके अंदर आती है तो आप एग्जिट करने की सलाह है। 664 का स्तर आज देखने को मिला है। फोन लाइन पर सुमन है कोलकाता से। सुमन गुड इवनिंग, पूछिए क्या सवाल है आपका? गुड इवनिंग मैडम जी, नमस्कार। मेरा तो डेल्टा कॉर्प 400 शेयर है, वो 21 का एवरेज प्राइस में। 121 एवरेज साइज में है। कब से खरीद रहे हैं? दिसंबर में 109 था, उस टाइम 200 खरीदा और 128 था उस टाइम, फिर 200 खरीदा। ठीक है ठीक है। तो केश, जो स्ट्रेटेजी इन्होंने अपनाई और जो इनका एवरेज बाइंग प्राइस है 121 का, क्या सलाह रहेगी आपकी? देखिए पल्लव जी, अगर मैं डेल्टा कॉर्प के लॉन्ग टर्म चार्ट्स को भी स्टडी करता हूँ तो इसमें बड़ा वीक पैटर्न बना हुआ जो सिंपली इंडिकेट करता है कि अगले 6 महीनों में भी स्टॉक 128, 130, 135 के ऊपर भी जाना मुश्किल लगता है। आपको एडवाइस दी जाएगी कि सर दिस इज नॉट अ राइट स्टॉक टू स्टे इन, आप उछाल पे बेचने की रणनीति को अपनाएं। इफ यू गेट द प्राइस क्लोज टू लेवल्स ऑफ 123, 124 इन शॉर्ट टू मीडियम टर्म तो स्टॉक से एग्जिट कर लीजिए। अगर आपको मार्केट में 6 महीने से 1 साल का विकल्प रखना है तो सिंजिन में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, विच इज ट्रेडिंग क्लोज टू लेवल्स ऑफ 515 and 516, आप बाय करके 610 के लक्ष्य के लिए अपनी पोजीशन में बैठ जाइए। ऑलराइट, तो डेल्टा कॉर्प कोई भी तेजी आती है 121 आपका एवरेज बाइंग प्राइस है, 123 124 के स्तर पर आप एग्जिट कर लें, मुनाफा वहां पर बुक कर लें, फिलहाल थोड़ा समय दे सकते हैं। सिंजिन एक बेहतर विकल्प हो सकता है फ्रेश लेवल्स पर बाइंग करने के लिए। फेसबुक के जरिए भी कई दर्शक सवाल पूछ रहे हैं। फेसबुक पर सवाल आया है रविंदर कुमार का, मिंडा कॉर्प को लेकर इनका क्वेश्चन है। ऑलमोस्ट 1000 शेयर है जो कि 99 के लेवल्स पे खरीदे हुए हैं। मिंडा कॉर्प क्या करना चाहिए इन लेवल्स पे, कैसा लगते हैं चार्ट आपको? देखिए पल्लू जी, अगर मिंडा को आपके चार्ट को स्टडी करते हैं, यहाँ पे ट्रिपल बॉटम फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ है क्लोज टू लेवल्स ऑफ 88 रुपीज़, और स्टॉक में एक राइट शोल्डर फॉर्मेशन आ सकती है विच कैन पुल द स्टॉक क्लोज टू लेवल्स ऑफ 102 to 105 ऑन दी अपसाइड। तो पहले आप 88 का स्टॉप लॉस डाल के अपनी पोजिशन को होल्ड कर लीजिए, बिकॉज दैट इज द बेस लेवल्स ऑफ द स्टॉक, और 102 के लिए अपनी पोजिशन में बने रहिए। ऑलराइट, अगला सवाल फेसबुक पर पूछा है स्वपन कर्माकर ने, जेनटेक पर इनका सवाल है। जेन टेक्नोलॉजीज ऑलमोस्ट 100 शेयर 76.40 के लेवल्स पर लिए हुए, हालांकि इन्होंने मेंशन नहीं किया कितने समय से होल्ड कर रहे हैं, लेकिन स्मॉल एंड मीडियम आईटी, अभी आपका आउटलुक क्या बन रहा है? इनकी खरीद से तो नीचे ही है, काफ़ी नुकसान भी हो रहा है, क्या करना चाहिए अभी जेनटेक में? देखिए पल्लू जी, अगर जेनटेक को स्टडी करते हैं, द स्टॉक हैज़ बीन वेल डिस्ट्रॉयड फॉर द इन्वेस्टर्स। जब से 115-116 का भाव इसने तोड़ा है तो ये 70 से लेके 80 के दायरे के अंदर ही ट्रेड कर रहा है। इसकी जो इमीडिएट रेजिस्टेंस आती है दैट इज़ क्लोज टू लेवल्स ऑफ 84 रुपीज़। अगर आप इसको 6 महीने का टाइम दे सकते हैं तभी इसमें बने रहिए। अगर स्टॉक 84 के ऊपर जाएगा तभी आपको 90 से लेके 112 के बीच में लक्ष्य मिल सकता है, जहाँ पर आप चाहें तो अपनी पोजीशंस को ऑफलोड कर पाएंगे। ऑलराइट, अगला सवाल है अविनाश त्रिपाठी का IDFC बैंक को लेकर, हालांकि हमने इस पर चर्चा की है आज के शो में, लेकिन इनकी खरीद बता दूं मैं लोकेश आपको, 63 पर लिया हुआ है IDFC बैंक इन्होंने और क्वांटिटी 200। इनकी खरीद के ऑलमोस्ट नज़दीक है, आज की क्लोजिंग 62.9 पर हुई है, इनके लिए आपकी राय कुछ डिफरेंट रहेगी क्या? पल्लू जी, IDFC बैंक में देखा जाए तो वही बेस फॉर्मेशन है क्लोज टू लेवल्स ऑफ 59, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे बैंकिंग सेक्टर्स में एक अच्छा बुल रन देखा गया है, एंड दिस स्टॉक कैन गो अप टू द लेवल्स ऑफ 68 to 70 ऑन द अपसाइड। आप 64 के लेवल्स को क्लोजली वॉच कीजिए, जैसे स्टॉक 64 के ऊपर जाएगा आपको 68 से 70 के लेवल्स मिल सकते हैं, आप वहाँ पे चाहें तो अपने मुनाफे को वसूल कर लीजिएगा। इनफैक्ट लोकेश, अभी दर्शकों के तो इतने सवाल हम शामिल कर पाएंगे, लेकिन कोई स्टॉक आपकी तरफ से कोई रिकमेंडेशन अगले हफ्ते के लिहाज से, अगर इंट्राडे में कोई पिक करना चाह रहा है या मे बी कोई पोजिशनल कॉल, कोई स्टॉक जो आप ट्रैक करें क्लोजली?
देखिए हमारी पिक रहेगी एलएनटी में। इफ आई लुक एट द चार्ट्स ऑफ एलएनटी, यहाँ पे अच्छा बेस फॉर्मेशन हुआ है क्लोज टू लेवल्स ऑफ 1440 और रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो भी इसके फेवर में आता है। 440 का स्टॉप लॉस डाल के इस पोजीशन में बाय किया जा सकता है फॉर द इमीडिएट टारगेट क्लोज टू लेवल्स ऑफ 1520 एंड 1530 ऑन द अपसाइड। ऑलराइट, तो एलएनटी एक अच्छा बेट रह सकता है, 1520 तक के लक्ष्य यहाँ पर देख सकते हैं। शुक्रिया लोकेश, समय निकाला आपने बातचीत की हमसे। कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? द स्टॉक्स वी हैव डिस्कस्ड माइट बी इन द पोर्टफोलियोज ऑफ द क्लाइंट बट आई डोंट हैव एनी पर्सनल होल्डिंग्स। थैंक्स अ लॉट लोकेश, फिलहाल हॉट स्टॉक्स में इतना ही। लौटेंगे सोमवार को, बताएंगे दिन भर के बाजार का हाल और होंगे टॉप 20 स्टॉक्स। नमस्कार।